हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल खींची फ्री स्टाइल में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि सोलर एक्लिप्स क्यों होता है और किस वजह से होता है। तो गाइस, ये वीडियो पूरा देखना तो आप समझ जाओगे कि क्यों सोलर एक्लिप्स होता है। तो गाइस, हमारा जो प्लेनेट है उसका नाम है अर्थ। तो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। तो आप सबको पता है कि मून हमारे अर्थ के चारों बाजू रिवॉल्व करता है, इसे राउंड करता है। तो एक पल ऐसा आता है, एक टाइम आता है जब होता क्या है, उस अर्थ के चक्कर लगाते वक्त मून सन के और अर्थ के एग्जैक्ट बीच में आ जाता है, है? तो जब बीच में आता है ना, उसे हम इस एरिया को कहते हैं एक्लिप्स। तो जब एक्लिप्स होता है तो हमें अर्थ से नज़र आता है कि मून जो है वो सन को ढक रहा है पूरा पूरा। आप देख सकते हो सोलर एक्लिप्स कुछ इस तरह से होता है। और मून का भी एक एक्लिप्स होता है जिसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। तो जब सोलर एक्लिप्स होता है तो क्या होता है कि मून जो है वो सन को ढकने लगता है। आप देख सकते हो इमेज में कि मून जो है सन को ढकने लगता है, जैसे क्या सन की लाइट मून पे पड़ती है और अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, जिससे मून जो है वो सन जो है वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो गाइस, कुछ इस तरह से होता है एक सोलर एक्लिप्स। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने सोलर एक्लिप्स के बारे में कुछ अच्छे तरीके से जान लिया होगा। और नहीं जाना तो आप वीडियो को वापस देख सकते हो। और हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे हमारे सारे न्यू वीडियो आप फर्स्ट देख सकोगे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे साथ बने रहिएगा, हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो शुक्रिया।